हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज मैं आपको ये ड्राई फ्रूट की पंजीरी का भोग जो जन्माष्टमी पे कृष्ण भगवान को चढ़ता है वह बना के बताने वाली हूँ। ये पंजीरी मैंने लड्डू न बनाते हुए पंजीरी बनाई है, क्योंकि इसमें छोटे बड़े सबको वितरित की जाती है, उसमें प्रसाद वेस्टेज न जाए, इसलिए मैं आपको ड्राई फ्रूट की ये पंजीरी की रेसिपी बता रही हूँ। चलिए पंजीरी बनाते हैं। ड्राई फ्रूट की पंजीरी बनाने के लिए मैंने जो सामग्री ली है वह इस प्रकार है। काजू एक बाउल में मैंने लिए हैं, यह 25 से 30 काजू है। यह काजू पूरे थे जिसके मैंने छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं। आप बाज़ार से पूरे लाके छोटे छोटे टुकड़े भी कर सकते हैं, और टुकड़े भी बाज़ार में मिल जाते हैं इसके, वह आप ला सकते हैं। एक बाउल में मैंने 25 से 30 बादाम लिए हैं जिसके छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं। आप भी इसके छोटे छोटे टुकड़े बाज़ार से ला सकते हैं और पूरे लाके भी इसके टुकड़े कर सकते हैं। इसके बाद फूल बहाने हैं, ये पूरे थे, मैंने इसके भी छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं। खोपरा यह मोटा कतरा हुआ है, यह मैंने किसनी से कीसा है और पूरा गोला लेके आई थी मैं बाज़ार से। आप चाहें तो बाज़ार में यदि मोटा कतरन आपको मिल जाती है तो वह भी आप ला सकते हैं, या गोला लाके भी इसकी कतरन कर सकते हैं। मोटी कतरन ड्राई फ्रूट के प्रसाद में अच्छी लगती है, खाने में भी टेस्टी रहती है। एक बाउल छोटा चीनी का लिया है जो कि इसमें मैं डालूंगी। आप चाहे तो शक्कर अपने हिसाब से कम जास्ती कर सकते हैं। आधा बाउल मैंने गाय का घी लिया है। खारक 5-6 ली है जो कि इसके बीज निकाल लिए हैं और छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं। आप चाहे बाज़ार से इसकी कतरन भी ला सकते हैं, या पूरे लाके इस प्रकार छोटे छोटे टुकड़े भी कर सकते हैं। कुछ खारक मैंने गीली ली है जो कि खजूर भी कहते हैं। यह 5-6 खजूर हैं जिसके मैंने बीजे निकाल दिए हैं और छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं। आप चाहे तो इसके टुकड़े मिल जाएं तो वह भी ला के डाल सकते हैं। थोड़ी सी मैंने किशमिश ली है जो कि 20 से 25 ग्राम होगी। थोड़ी सी मैंने खसखस ली है जो कि प्रसाद में स्वाद में भी अच्छी लगती है और दिखने में भी सुंदर दिखती है। यह भी 20 से 25 ग्राम होगी। थोड़ी सी खाने की गोंद ली है जो कि मैं घी में तलूंगी, और तलने के बाद ये फूल जाएगी वह इसमें डालूंगी। प्रसाद में गोंद डालना तो बनता है। थोड़ी सी हरी इलायची ली है जिसे मैंने पीस लिया है, यह लगभग 20 से 25 इलायची होगी। चलिए शुरू करते हैं पंजीरी बनाना। गैस पर मैंने कढ़ाई रखी हुई है, गैस को ऑन कर गैस को सिम पर रखा हुआ है। इसमें मैं सबसे पहले जो घी लिया हुआ है वह इसमें डालूंगी। घी मेरा गर्म हो जाएगा तब मैं इसमें गोंद डालूंगी। घी गरम हो चुका है, इसमें गोंद डाल रही हूँ। गोंद तलने के बाद फूलती है, देखिए ये फूलना शुरू हो गई है। यदि गोंद हमारी गीली होगी, थोड़ी सी नमी होगी उसमें, तो फूलने में थोड़ा आ सकता है फ़र्क। बरसात का मौसम है, वैसे भी उसमें नमी आ जाती है। गोंद हमारी अच्छी तरह फूल गई है। जितनी अच्छी तरह गोंद फूलेगी उतनी अंदर से सॉफ्ट रहेगी, और फ्राई भी अच्छी तरह हो गई है। मैं प्लेट में निकाल रही हूँ इसे। अब मैं इसमें फूल महाने डाल रही हूँ, इसको भी हल्का हल्का फ्राई करूँगी। देखिए ये फ्राई होना शुरू हो गए हैं, इसको
ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। मखाने हमारे फ्राई हो गए हैं, मैं इसे प्लेट में निकाल रही हूँ। मैं इसमें काजू डाल रही हूँ और बादाम भी डाल रही हूँ, दोनों को एक साथ फ्राई करूँगी। हमें इसे ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, क्योंकि यदि ज़्यादा फ्राई कर देंगे तो इसमें कड़वापन आ जाएगा, क्योंकि हम जब सामग्री इकट्ठी मिलाएंगे तब भी हम इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। इसलिए हमें ध्यान रखना है कि इसे हल्का हल्का ही फ्राई करना है। ये हमारे काजू बादाम हल्के से फ्राई हो गए हैं, अब मैं इसे प्लेट में निकाल रही हूँ। अब मैं किसा हुआ नारियल इसमें डाल रही हूँ और उसे भी फ्राई करूँगी। हल्का हल्का फ्राई करना है और चलाते रहना है, क्योंकि यदि हम चलाएंगे नहीं तो इसकी संभावना जलने की ज़्यादा रहती है। ये हमारा फ्राई होना शुरू हो गया है हल्का हल्का। ये हमारा किसा हुआ नारियल फ्राई हो चुका है, अब मैं इसे प्लेट में निकालने लगी हूँ। मैंने एक बड़ा चम्मच और घी का लिया है, जो मैं कढ़ाई में डाल रही हूँ। घी हमारा गर्म हो जाएगा तब इसमें बाकी रही सामग्री को मैं फ्राई करूँगी। घी हल्का सा गर्म हो चुका है, इसमें सबसे पहले मैं सूखी खारक डाल रही हूँ और इसको भी हल्का सा फ्राई करूँगी। अब इसमें मैं गीली खारक डाल रही हूँ। गीली खारक डालने से पंजीरी में हमारा थोड़ा कलर अच्छा आ जाएगा। अब मैं इसमें खसखस डाल रही हूँ और इसमें चीनी डाल रही हूँ और मिक्स करूँगी। अब मैं इसमें इलायची का पाउडर डाल रही हूँ। अब मैं इसमें किशमिश डाल रही हूँ और अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मैं इसे थोड़ी देर चलाती रहूँगी ताकि हमारी चीनी इसमें पिघल जाए, और पिघलने के बाद यह थोड़ा पाक बन जाएगा, तो इसमें जो हमारा तला हुआ ड्राई फ्रूट है वह इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। चीनी हमारी पिघलने लग गई है, ड्राई फ्रूट हमने जो डाला था वह भी हल्का ब्राउन हो चुका है। अब मैं इसमें पहले तला हुआ ड्राई फ्रूट डाल रही हूँ। ये देखिए, फूल महाने, गोंद, खोपरा और काजू बादाम, ये सारे ड्राई फ्रूट इसमें कढ़ाई में डाल के और अच्छी तरह से मिक्स करूँगी, हमारा जो पाक बना हुआ है वह इस पर अच्छी तरह चढ़ जाए। हमें इसे थोड़ा लगातार चलाते रहना है ताकि हमारी चीनी ड्राई फ्रूट में पूरी तरह मिक्स हो जाए। हमें चलाते हुए थोड़ी देर हो गई है, चीनी है हमारी अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है सभी ड्राई फ्रूट में, और हमने जो पहले हल्का सा ड्राई फ्रूट सेका था वह भी अच्छी तरह से सिक गया है, हल्का ब्राउन हो चुका है। अब मैं गैस को बंद करूंगी और पंजीरी को ठंडा होने दूंगी। ये हमारा भगवान श्री कृष्ण का जन्माष्टमी का भोग बनकर तैयार हो गया है। कितना अच्छा बना है, वह कलर भी कितना अच्छा आया है। यदि आपको यह ड्राई फ्रूट की पंजीरी का भोग, जो कि कृष्ण भगवान को लगना है, वह आप भी इस जन्माष्टमी पर ज़रूर बनाएं और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये पंजीरी कैसी लगी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और यदि हमारे जन्माष्टमी कृष्ण जी की पंजीरी का भोग बनाने का तरीका पसंद आया हो तो लाइक का बटन दबाएं और शेयर करना न भूलिए। घंटी भी ज़रूर बजाइएगा ताकि हमारी आने वाली रेसिपी का अपडेट आपको मिलता रहे। चलिए फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ।
थैंक यू, बाय।